कुछ हफ्ते पहले वॉरजोन मोबाइल के अंदर एक न्यू अपडेट आया था एंड हमने उसे रिसेंटली ट्राई भी किया। एंड आज वाले वीडियो में हम वॉरजोन मोबाइल के लेटेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करेंगे, फीचर्स, गेम प्ले, इवन रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। सो या लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमने गेम को ओपन किया ऑस्ट्रेलिया का वीपीएन लगा करके। एंड यहाँ पे हमें गेम की लॉबी देखने को मिली जो कि काफी सेक्सी है। एंड लॉबी के अंदर एक सोल्जर खड़ा है। बाकी आप लॉबी का यूआई एंड यूएक्स देखो, काफी प्रॉपरली डिजाइन किया गया है, बिल्कुल वॉरजोन पीसी की तरह लग रहा है। एंड यार लॉबी के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ना, काफी गूसबम दे रहा था। देन यार हमने स्टोर को एक्सप्लोर किया एंड स्टोर के अंदर आपको काफी सारे पैक्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर आपको काफी सारे वीपन के स्किन्स, आउटफिट एंड व्हीकल के स्किन्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इन पैक्स के अंदर चल रहा था लिमिटेड टाइम ऑफर एंड आप इसको सीओडी पॉइंट एंड रियल कैश से परचेज कर सकते हो। देन यार मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी के मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटर यानी कि घोस्ट के पैक को खोला। इसके अंदर काफी ऑसम वीपन कैमियो स्किन्स थे एंड काफी कुछ था। देन यार मैंने अदर ऑपरेटर्स के बंडल भी चेक किए, काफी ऑसम थे। एंड यार यहाँ पे हमने वीकली मिशन देखा, तो आप वीकली मिशन को कंप्लीट करके काफी सारे रिवॉर्ड्स ले सकते हो। एंड यार अब बारी थी ऑपरेटर्स को चेकआउट करने की। एंड इसके लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड था, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी के अंदर ऑपरेटर्स की तो बात ही अलग है। तो इस गेम के अंदर आपको वॉरजोन पीसी के सारे ऑपरेटर्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक रेंजर्स, कैप्टन प्राइस, नोवा, फरहा, मोस्ट पॉपुलर घोस्ट या फिर हर कोच। हालांकि सारे लॉक्ड थे, लेकिन एक एक करके आप भी देख लो एंड आप इसको अनलॉक कर सकते हो। देन यार मैंने वीपन सेक्शन को चेकआउट किया। अब यार यहाँ पे आप डिफरेंट गेम मोड्स के लिए कस्टम लोडआउट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीपन अनलॉक करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा एंड अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इक्विप कर सकते हो लोडआउट के अंदर। इनफैक्ट यार गेम के अंदर आपको मिसाइल के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप मिसाइल को भी इक्विप कर सकते हो। लिटरली काफी सिंपल एंड इजी है। देन यार मैंने सीओडी पॉइंट के वैल्यू को चेकआउट किया, काफी हाई थे एंड हम इंडियंस को इसको परचेज करने के लिए काफी पैसे लगाने पड़ेंगे। इवन तो ये गेम लिमिटेड रिलीज के अंदर है, स्टिल आपको गेम के अंदर पार्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों को इनवाइट करके एक साथ खेल सकते हो विद वॉइस चैट। बाकी गेम के अंदर फ्रेंड लिस्ट का भी ऑप्शन है, आप अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हो, सेम लाइक अदर बैटल रॉयल गेम्स। एंड यार एट लास्ट मैंने चेक किया सेटिंग, क्योंकि यार सेटिंग किसी भी एक मल्टीप्लेयर गेम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो गेम के अंदर आपको सारे टाइप के सेटिंग देखने को मिल जाएंगे, लाइक कंट्रोल्स, सेंसिटिविटी, ऑडियो, ग्राफिक्स, लैंग्वेज, सोर्सेस, अकाउंट एटसेट्रा। बाकी यार मैंने बेसिक सेटिंग को एडजस्ट कर लिया एंड ट्रस्ट मी, गेम के अंदर आपको काफी एडवांस लेवल के सेटिंग एंड कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, जिनको मास्टर करना अभी के लिए हार्ड है। देन यार मैंने गेम मोड को एक्सप्लोर किया, तो गेम के अंदर आपको काफी सारे गेम मोड देखने को मिल जाएंगे, लाइक ब्लिट्स रॉयल, मिनी रॉयल, रिसर्जेंस एंड बैटल रॉयल। तो मैंने ब्लिट्स रॉयल को सेलेक्ट किया क्योंकि ये काफी पॉपुलर है एंड गेम को स्टार्ट कर दिया। तो यार मैं प्लेन के अंदर था, प्लेन के अंदर का वीडियो आप देख सकते हो, बिल्कुल वॉरजोन पीसी की तरह है एंड काफी ऑसम है। तो यहां से मैं एजेक्ट हो गया, बिल्कुल लाइक अदर बैटल रॉयल गेम्स। तो मैं मैप के अंदर ड्रॉप इन हुआ एंड मैंने इनिशियली लूट करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे को गेम के अंदर सारे टाइप के वीपन दिखे, लाइक असॉल्ट राइफल, शॉट गन, स्नाइपर, पिस्टल एटसेट्रा। हालांकि यार गेम के ग्राफिक्स लॉक्ड थे डिवाइस के हिसाब से एंड हमारा ये गेम प्ले आईफोन 14 प्रो के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। गेम के ग्राफिक्स आप देख सकते हो काफी अच्छे है एंड गेम बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा था, बस यार पिंग काफी हाई आ रहा था क्योंकि हम वीपीएन यूज कर रहे थे। बट हाँ, गेम मैकेनिक्स, प्लेयर मूवमेंट, एनवायरनमेंट, फिजिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ बिल्कुल वॉरजोन पीसी की तरह था। मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम वॉरजोन पीसी खेल रहे थे। बाकी यार प्लेयर मूवमेंट एंड शूटिंग मैकेनिक्स आप देख लो। यार आपको शूटिंग मैकेनिक एंड प्लेयर मूवमेंट कैसे लगे? मेरे को तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगा। बाकी यार इस गेम के अंदर एक स्पेशल फीचर भी है जो कि आपको अदर मोबाइल बैटल रॉयल गेम्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, एंड वो ये है कि अगर आप किसी एनिमी को किल करते हो
तो अदर बैटल रॉयल गेम्स के अंदर क्रेट बन जाता है, बट वॉर्जोन मोबाइल के अंदर प्लेयर की डेड बॉडी एज इट इज जमीन पर रहती है, जो कि गेम के अंदर काफी रियलिज्म ऐड करती है। देन यार मैं मैप के अंदर घूम रहा था, गेम को एक्सप्लोर कर रहा था, एंड ये गेम मेरे को ऑलमोस्ट वॉर्जोन पीसी की तरह लगा। बाकी अब गेम का मैप देख लो, काफी बड़ा है। देन यहाँ पे मैंने थोड़े फाइट्स लिए एंड किल्स भी कलेक्ट किया। देन एनिमी हमें नॉकआउट कर देता है, देन मैं सेल्फ रिवाइव किट यूज करता हूँ खुद को रिवाइव करने के लिए। एंड यार ये फीचर लिटरली मुझे काफी पसंद आया। एंड गाइस आई डोंट थिंक सो कि आज के डेट में किसी अदर मोबाइल प्लेटफॉर्म के बैटल रॉयल गेम के अंदर सेल्फ रिवाइव जैसा फीचर है। अगर आपको पता है किसी और गेम में है तो डेफिनेटली बताना। बाकी यार मैं आगे चलता गया एंड और भी किल्स करता गया। देन यार जोन काफी छोटा हो गया था एंड एट द एंड एक एनिमी मुझे किल कर देता है। देन हम उसे स्पेक्टेट करते हैं। देन मुझे गेम के अंदर एक और काफी ऑसम चीज देखने को मिली, जो कि किसी अदर मोबाइल बैटल रॉयल गेम के अंदर नहीं है। एंड वो ये है कि जो भी प्लेयर एंड में गेम में विन करता है उसे चिकन डिनर या बुया जैसा कुछ नहीं मिलता, बल्कि वॉरजोन पीसी की तरह एक हेलीकॉप्टर आता है एंड उस विनर को लेके चल जाता है। ये चीज मुझे काफी ऑसम एंड यूनिक लगी। एंड गाइस एट लास्ट बात करते हैं गेम की रिलीज डेट को लेकर के। तो देखो आपको पता होगा ऐप स्टोर के अंदर किसी भी गेम का एक्सपेक्टेड रिलीज डेट लिखा जाता है, तो यहाँ पे वॉरजोन मोबाइल के एक्सपेक्टेड रिलीज डेट को ऐप स्टोर के अंदर एक्सटेंड कर दिया गया एंड यहाँ पे न्यू एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 1 November 2023, यानी कि इस साल के एंड नवंबर के 1 तारीख को। लेकिन यार ये भी बस एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है, मे बी बाद में जा करके इस डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन हाँ फॉर नाउ यही एक ऑफिशियल रिलीज डेट है। बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा, मे बी गेम उसके बाद लॉन्च हो या उससे पहले। सो यस गाइस दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर अपकमिंग वीडियोस के लिए कोई भी सजेशन है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, हम सारे कमेंट्स पढ़ेंगे एंड सजेशन को कंसीडरेशन में लेंगे। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।